पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ दशरथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, आज राजस्थान से तीनों नेता मंत्री बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, और क्या क्या अपडेट मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को लेकर सामने आई है, विस्तार से जानकारी दीजिए दशरथ। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के संभावित मंत्रियों को फोन गया है, दोबारा से अपने संवाददाता से प्रयास करेंगे संपर्क साधने का। राजस्थान से तीनों नेता मंत्री बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान से तीन भाजपा सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ दशरथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, आपसे समझना चाहेंगे कि आज नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की, लेकिन कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? दशरथ, देखिए, खासतौर से राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो राजस्थान में तीन नामों की चर्चा है, और तीनों ही नामों को लेकर लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि ये तीनों मंत्री बनेंगे। पहला नाम अर्जुन राम मेघवाल, जो पहले मंत्री रहे, बीकानेर से सांसद है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर भी अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। दूसरा बड़ा नाम वीरेंद्र सिंह शेखावत का है, जो जयपुर से सांसद है, पिछली सरकार के पिछली जो सरकार थी इसमें वो जल शक्ति मंत्री रहे। तीसरा एक नाम जो है वो भागीरथ चौधरी का, भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद है, हालांकि विधानसभा चुनाव वो किशनगढ़ से हारे थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर कह सकते हैं एक बार फिर भरोसा दिखाया था और वो संसद पहुंचे हैं, तो उनको भी फोन कॉल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर वो शामिल हुए, तो राजस्थान से तीन नाम शामिल किए जा रहे हैं, इस तरह की खबर दिल्ली से है। जबकि ओवरऑल अगर बात करें तो 60 से 65 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें दिग्गजों की कई बात करें, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, और दो नाम ऐसे शिवराज सिंह चौहान और मनोहर खट्टर, ये दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह 4 बार के मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उनकी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया था, राजेश, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था, वो जीत कर वो संसद पहुंचे, उनका भी नाम शामिल है। तो कुल 60 से 65 मंत्री बनाए जा सकते हैं, और राजस्थान में तीन नाम अब तक की जानकारी में शामिल। दशरथ, आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 का विस्तार तो होगा, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उस वक्त की स्थिति क्या देखने को मिल रही है राजस्थान में, दिल्ली में और अन्य जगहों पर? भाजपा में किस तरीके का उत्साह है, शपथ ग्रहण को लेकर किस तरीके की तैयारियां भाजपा की तरफ से की गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर भाजपा के लिहाज से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं, और शपथ को लेकर निश्चित तौर से देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है, उनमें खुशी का माहौल है। हैट्रिक करने आज के जा रहे हैं कि तीसरी बार वो देश की बातें संभालेंगे और देश के सामने अपना विजन वो स्पष्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, जैसे वो शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, नेताओं में उत्साह का माहौल है, और एक बार फिर दिल्ली में अगर बात की जाए दशरथ, तो शपथ ग्रहण को लेकर किस तरीके की तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं, क्योंकि संसद भवन अपने आप में ही बहुत सुंदर और बहुत अलौकिक दिख रहा होगा अभी से ही, किस तरीके की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए दशरथ। देखिए, निश्चित तौर के अंदर शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की बात करें तो बड़ा टेंट या कर सकते हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और खासतौर से 2 दिन से लगातार जो बीजेपी के जो हल्के जीत के गए हैं वो दिल्ली के अंदर थे, लेकिन आज सुबह बाद जिन जिन नामों पर मुहर लगी उनके यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के निवास से, उनके कार्यालय से फोन गए,
और फिर उनको प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पे आमंत्रित किया। चाय पे जो आमंत्रित किया उन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम सांसदों से चर्चा भी की है, 100 दिन का क्या रोड मैप रहेगा इसको लेकर भी चर्चा की है, 5 साल में कैसे सरकार काम करना चाहेगी और अपना विजन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके सामने रखा है। और अलग अलग जो दूसरे देश है उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण में शामिल होने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मोदी कैबिनेट 3.2 के संभावित मंत्रियों को फोन गया है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। राजस्थान से तीनों नेता मंत्री बनेंगे, सूत्र ये दावा कर रहे हैं।